विद्यार्थी मित्रों और मेरे साथी शिक्षक मित्रों, सभी को मेरा नमस्कार। लैक्टेशन के इस प्रेजेंटेशन लेक्चर में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, मैंने लैक्टेशन के लिए एक कॉन्सेप्ट मैप आपको दिखाया है। जैसे कि आप अभी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये लैक्टेशन का कॉन्सेप्ट मैप है। और अगर एग्जामिनर लैक्टेशन के टॉपिक में से अगर एमसीक्यू फ्रेम करते हैं, तो ये जो कॉन्सेप्ट मैप है उसी में से आपका एमसीक्यू बनेगा एग्ज़ाम में। और आप ये सोच रहे होंगे कि मैं इतने यकीन से ये बात कैसे कह सकता हूँ, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट मैप है इसमें आपका जो पूरा जो सिलेबस का जो थियरी पोर्शन है वो इसमें कवर है। और अगर ये कॉन्सेप्ट मैप आप कहते हो कि सर हम खुद कर लेंगे, तो मैं आपको अच्छे से बता देता हूँ और देख लीजिए आप, और फिर मैं कहूँगा टाटा बाय बाय, लेक्चर ख़त्म। लेकिन थोड़ा समय दीजिए, समझा देता हूँ मैं पूरा आपको टॉपिक। देखिए, लैक्टेशन जो है, पहले डेफिनेशन की हम बात करते हैं। लैक्टेशन क्या होता है? तो लैक्टेशन जो है, तो फीमेल्स के जो मेमरी ग्लैंड है उसमें से जो मिल्क का प्रोडक्शन, दूध का निर्माण और मिल्क का यानी कि दूध का जो स्त्राव है मेमरी ग्लैंड में से, उसी को लैक्टेशन कहते हैं। और जो प्रमुख हार्मोन है जो लैक्टेशन के प्रोसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उस हार्मोन का नाम है प्रोलैक्टिन। यहाँ पे बराबर ध्यान से हम ये नाम याद रखेंगे, लैक्टेशन के लिए जो मेन रिस्पॉन्सिबल हार्मोन है वो है प्रोलैक्टिन। और ये कहाँ से प्रोड्यूस होता है, कहाँ से इसका सिक्रेशन होता है? तो एंटीरियर पिट्यूटरी में से इसका सिक्रेशन होता है। अभी हम फिजियोलॉजी ऑफ लैक्टेशन जो है, इसमें आपके जो सिलेबस है इसमें, जैसे कि ये फेजेस ऑफ लैक्टेशन जो है जिसकी हम बात कर रहे हैं, लैक्टेशन के फेज़ की, इसमें यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं ये चार नाम लिखे हैं, ठीक है। जैसे कि एक है मेमोजिनेसिस, दूसरा है लैक्टोजिनेसिस, तीसरा है गैलेक्टोकाइनेसिस और चौथा है गैलेक्टोपोइसिस। अब इन चारों में से ये आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। मेमोजिनेसिस, लैक्टोजिनेसिस जो है ये आपके सिलेबस में नहीं है, तो आपके सिलेबस में क्या है? ये है, ठीक है, गैलेक्टोपोइसिस है, और ये है, ठीक है, गैलेक्टोकाइनेसिस, ये है। ये दोनों टॉपिक आपके सिलेबस में है, आगे वाले दो नहीं हैं। अच्छा, लेकिन इन चारों का नाम आप अच्छे से याद कर लीजिए, चारों का नाम, चारों फेज के नाम अच्छे से याद करना ज़रूरी। और पहले थोड़ी थोड़ी इसमें एक एक ही लाइन है, मेमोजिनेसिस क्या बात है? मेमोजिनेसिस देखिए, प्रिपरेशन ऑफ ब्रेस्ट है ना, मेमोरी ग्लैंड का डेवलपमेंट है मिल्क प्रोडक्शन के लिए। तो डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट जो है, प्रिपरेशन ऑफ ब्रेस्ट फॉर मिल्क सिक्रेशन, इसको मेमोजिनेसिस बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर लैक्टोजिनेसिस, तो सिंथेसिस एंड सिक्रेशन ऑफ मिल्क, यानी कि जो दूध है, माँ का दूध, वो किस तरह से बनता है, उसका स्त्राव कैसे होता है, उसको प्रक्रिया को हम लैक्टोजिनेसिस कहते हैं। ये दोनों नहीं हैं, तो ये दोनों जो हैं, मेंटेनेंस ऑफ लैक्टेशन, ठीक है, और एक्सपल्जन ऑफ द मिल्क, ठीक है, यानी कि गैलेक्टोपोइसिस और लैक्टोपोइसिस जो है आपके सिलेबस में, हम इसी की बात करते हैं। तो सीधा हम ये कॉन्सेप्ट मैप पर आ जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक माँ जो है, एक माँ अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करा रहे हैं, स्तनपान करा रहे हैं। तो क्या हो रहा है कि ये जो बच्चा जो है, तो आप समझ सकते हैं, बच्चा जो है क्या कर रहा है, माँ का जो निप्पल है और माँ का निप्पल के आसपास जो डार्क पिगमेंटेड एरिया है जिसे हम एरियोला बोलते हैं, तो बात समझिए आप, बच्चा जो है माँ का जो निप्पल है उसे चूस रहा है, और बच्चे के जो होंठ हैं वो
जो निपल के आसपास जो एरियोला है उसके उसको टच करते हैं, उसके संपर्क में होते हैं। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो जो स्किन जो निप्पल और एरियोला के जो स्किन रिसेप्टर हैं वो स्टिम्युलेट हो जाते हैं, और ये जो स्किन रिसेप्टर जो हैं इनके साथ में क्या अटैच होता है, तो इनके साथ में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो एफरेंट सोमेटिक नर्व है वो जुड़ी हुई है। ठीक है, एफरेंट नर्व या तो जिसको हम सोमेटिक नर्व बोलते हैं वो जुड़ी हुई है। तो अब ये जो ब्लू कलर का जो नर्व है इससे नर्व इम्पल्स जो है वो कहाँ पे जा रहा है वो आप देखिए। तो देखिए यहाँ पे लिखा है कि फ्रॉम ब्रेस्ट नर्व इम्पल्स जो है वो कहाँ जा रहा है, तो यहाँ देखिए आप नर्व इम्पल्स जो है जो स्टिम्युलेशन जो है उसकी वजह से नर्व इम्पल्स स्पाइनल कॉर्ड में पहुँच रहा है। ठीक है, अच्छा अब दूसरी एक मैं बात करता हूँ कि ये तो स्टिम्युलस यहाँ पे पहुँच गया, लेकिन हम ऐसी बात करते हैं कि जब नॉर्मल जो कंडीशन होती है नॉर्मल नॉर्मल जो कंडीशन यानी कि जो नॉर्मल अवस्था में जो गर्ल्स और वुमेन्स हैं उनके जो ब्रेस्ट है मेमरी ग्लैंड है उसमें से मिल्क का सिक्रेशन नॉर्मल कंडीशन में नहीं होता। मैं माफ़ी चाहता हूँ ये बात कहने के लिए, लेकिन मुझे समझाने के लिए मुझे ऐसा बोलना पड़ रहा है, मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन ये बात कहे बिना मैं आगे नहीं बढ़ सकता। तो नॉर्मल कंडीशन में जो मेमरी ग्लैंड या ब्रेस्ट है उसमें से मिल्क का प्रोडक्शन नहीं होता, उसकी वजह क्या है वो हम देखते हैं। देखिए यहाँ पे जो लिखा है नॉर्मल कंडीशन में हम पहले बात कर लेते हैं, ये देखिए आर्क्यूएट न्यूक्लियस। ये आर्क्यूएट न्यूक्लियस क्या है तो उसके बारे में भी मैंने यहाँ पे लिख दिया है अगर आप जानना चाहें तो। ठीक है, कि भी आर्क्यूएट न्यूक्लियस जो है वो हाइपोथैलेमस का पार्ट है और वो एग्रीगेशन ऑफ न्यूरॉन्स हैं। ठीक है, तो बहुत सारे जो न्यूरॉन्स हैं वो इकट्ठा होके क्या बनाते हैं, आर्क्यूएट न्यूक्लियस बनाते हैं, और वो क्या है हाइपोथैलेमस का एक पार्ट है। इसका आर्क्यूएट न्यूक्लियस का दूसरा नाम ARH, ARC या तो इन्फंडिबुलम न्यूक्लियस भी उसे कहते हैं। और वो कहाँ पे लोकेटेड है वो अगर इंटरेस्टेड हैं आप तो वो भी यहाँ पे मैंने लिख दिया है, आप पढ़ सकते हैं इसको। तो ये आर्क्यूएट न्यूक्लियस की हमने बात करी, तो मैंने कहा आपको कि भाई जो नॉर्मल कंडीशन है तो उसमें तो जो ब्रेस्ट या तो मेमरी ग्लैंड हैं वो मिल्क सिक्रेशन मिल्क प्रोडक्शन नहीं करते, उसकी वजह क्या है, तो आप देखिए यहाँ पे जो आर्क्यूएट न्यूक्लियस है उसमें से आप देखेंगे ध्यान से तो क्या होता है, ये DA लिखा है। ठीक है, DA का मतलब होता है डोपामाइन। तो आर्क्यूएट न्यूक्लियस नॉर्मल कंडीशन में क्या कर रहे हैं, जो डोपामाइन है उसका सिक्रेशन करते हैं, डोपामाइन रिलीज करते हैं, और ये जो डोपामाइन जो है वो कहाँ जा रहा है, तो देखिए यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी। तो ये डोपामाइन जो है वो कहाँ पे आया, एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी में आया, और ये आप देखिए पीले पीले रंग में ये सेल दिखाए हैं। तो ये जो पीले रंग में जो सेल है इन सेल का नाम क्या है, ठीक है, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग लैक्टोट्रोप। तो ये जो डोपामाइन है ये क्या करता है, ये डोपामाइन नॉर्मल कंडीशन में इनको इनहिबिट करता है ये सेल को, एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी के जो प्रोलैक्टिन रिलीजिंग लैक्टोट्रोप हैं उनको नॉर्मल सिचुएशन में डोपामाइन इनको इनहिबिट करता है। तो फिर इस वजह से ये जो सेल हैं ये प्रोलैक्टिन रिलीज नहीं करेंगे, इसीलिए नॉर्मल कंडीशन में ब्रेस्ट में से मिल्क प्रोडक्शन सिक्रेशन नहीं होता। अब यहाँ पे क्या हुआ है, बच्चे का जन्म हुआ है और माँ जो है स्तनपान करा रही हैं, हमने ब्लू लाइन में से देखा कि नर्व इम्पल्स जो है वो स्पाइनल कॉर्ड में पहुँच गया। अब देखिए अब यहाँ पे ये जो है तो ये लाइन आप पढ़िए क्या लिखा है, कि देखिए यहाँ से न्यूरॉन फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड इनहिबिट डोपामाइन रिलीज फ्रॉम द आर्क्यूएट न्यूक्लियस। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैं बताता हूँ आपको, ये जो है ये स्पाइनल कॉर्ड और इसमें से ये वाला जो न्यूरॉन है ये न्यूरॉन कहाँ पे जा रहा है। ठीक है, तो इसमें से नर्व इम्पल्स जो है वो कहाँ पे जाएगा, अभी तो
आर्क्यूएट न्यूक्लियस में जाएगा। तो क्योंकि अब स्पाइनल कॉर्ड में से जो नर्व सेल जो हैं, न्यूरॉन जो हैं, वो आर्क्यूएट न्यूक्लियस के कांटेक्ट में हैं, उसको नर्व इम्पल्स भेज रहे हैं स्टिम्यूलस की वजह से, ठीक है। तो अब क्या ये जो आर्क्यूएट न्यूक्लियस है वो क्या करेगा, कम मात्रा में, बहुत ही कम मात्रा में डोपामाइन रिलीज़ करेगा, ठीक है। अब क्योंकि बहुत ही कम मात्रा में डोपामाइन रिलीज़ हो रहा है, तो फिर क्या होता है कि डोपामाइन की कमी की वजह से ये जो येलो कलर के जो सेल हैं, ठीक है, क्योंकि अब तो डोपामाइन का इनहिबिशन है नहीं, तो अब ये सेल क्या कर रहे हैं, ये जो सेल हैं जिसको हम प्रोलैक्टिन रिलीजिंग लैक्टोट्रोप बोलते हैं, ये सेल अब प्रोड्यूस करते हैं, अब सीक्रेट करते हैं हार्मोन प्रोलैक्टिन, ठीक है। और ये जो प्रोलैक्टिन है वो कहाँ जाएगा, ब्लड में जाएगा, और ब्लड में जाके किस पे असर करेगा, तो मेमोरी ग्लैंड में जो एल्वियोलर जो सेल हैं उसके ऊपर अब ये प्रोलैक्टिन इफेक्ट करेगा। तो एल्वियोलर सेल जो हैं वो क्या करेंगे, एल्वियोलर सेल में से जो दूध है, मिल्क है, उसका सिक्रेशन, उसका प्रोडक्शन होगा, ठीक है। तो उसी यही जो प्रोसेस है मिल्क सिक्रेशन की, इसी को हम गैलेक्टोपोइसिस कहते हैं, ठीक है। मैं आपको समझा देता हूँ बात, यहाँ तक की बात पूरी पता चल गई आपको, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आप, ठीक है, हमने जो मेमोरी ग्लैंड का जो लेक्चर था वो हमने पढ़ा, उसमें हमने जो मेमोरी ग्लैंड का स्ट्रक्चर है वो भी अच्छे से हमको पता है कि जो मेमोरी ग्लैंड है उसमें 15 से 20 लोब्यूल्स होते हैं, ये देख सकते हैं आप, ये सारे जो हैं ये लोब्यूल्स हैं। अच्छा, एक जो लोब्यूल है यहाँ पे आप देखेंगे, एक लोब्यूल जो है उसको मैंने जूम करके बताया है, और एक लोब्यूल के अंदर यहाँ पे बहुत सारे एल्वियोलाई दिख रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अभी यही एल्वियोलाई जो है इनको हम यहाँ पे जूम करके देख रहे हैं, ठीक है, ये जूम कर दिया है मैंने, ये देखिए आप, ठीक है। तो ये देखिए आप, ध्यान से देखना, और बड़ा कर देता हूँ मैं आपके लिए, तो आप अच्छे से देख सकते हैं, ये देखिए एल्वियोलर सेल, ठीक है, ये सारे जो हैं यहाँ पे एल्वियोलर सेल, और ये देखिए आप ध्यान से ये, ठीक है, एल्वियोलर सेल जो हैं वो क्या कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, इनमें से ये एल्वियोलर सेल ने क्या किया, मिल्क सिक्रेशन किया, लेकिन किसकी वजह से किया, किसके इन्फ्लुएंस में किया, तो वो हमने बात करी कि जो प्रोलैक्टिन जो हार्मोन है उसके इन्फ्लुएंस में ये जो सेल हैं एल्वियोलर सेल वो मिल्क का सिक्रेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो बात है इसी को तो हम गैलेक्टोपोइसिस बोल रहे हैं, यहाँ पे जैसे नाम लिखा है गैलेक्टो, मिल्क सिक्रेशन, गैलेक्टोपोइसिस, ठीक है कि नहीं। तो ये गैलेक्टोपोइसिस आपको पता चला बात, अब एल्वियोलर सेल टू द ब्रेस्ट और मिल्क सिक्रेशन, इसी को कहते हैं गैलेक्टोपोइसिस। फिर से एक बार इस पे वापस लौटते हैं, यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे अभी देखना आप ध्यान से, ये देखिए यहाँ पे पूरा ये मिल्क भर चुका है, ठीक है, गैलेक्टोपोइसिस की वजह से यहाँ पे दूध से भरा हुआ एल्वियोलाई है, ठीक है कि नहीं। यहाँ पे भी ये देखिए, ये भी एक बढ़िया फिगर है, बता देता हूँ मैं अच्छे से आपको, यहाँ पे ध्यान से देख लेना, ये जो एल्वियोलर सेल हैं इसके आसपास ये सारे जो सेल हैं, ये भी ध्यान रखिए क्या है, तो हम जानते हैं इन सेल को मायो एपिथेलियल सेल हैं, ये वाले जो हैं ये मायो एपिथेलियल सेल। तो अब इसी बात को यहाँ पे दिखाता हूँ, देखिए ये जो है ये हमारा एल्वियोलर सेल हो गया, ठीक है, और ये उसके कांटेक्ट में कौन सा सेल है, मायो एपिथेलियल सेल। और यहाँ पे अंदर आप देखेंगे कि देखिए जो मिल्क है उसमें क्या, मिल्क में प्रोटीन बन रहा है, ठीक है, मिल्क में लिपिड बन रहा है, सॉल्ट हैं, फिर शुगर्स हैं, ये सब इस सेल के अंदर ही बन रहा है एल्वियोलर सेल में। लेकिन कैसे बनता है, किस तरह से, कौन कौन सी प्रक्रियाएं हैं, वो हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम बात नहीं कर रहे। और यहाँ पे देखिए ये प्रोटीन आया, लिपिड आया, है ना, तो इसी को शुगर आई, सॉल्ट आई, इसी को क्या कहते हैं, इसी को हम गैलेक्टोपोइसिस बोलते हैं, ये प्रोसेस को,
तो गैलेक्टोपोइसिस बात समझ में आ गई आपको, है ना? पूरा एक जो पार्ट है वो मैंने डिस्कस कर लिया, गैलेक्टोपोइसिस। अब दूसरी जो बात है वो करेंगे, लेकिन उसके पहले ये जो कॉन्सेप्ट मैप है, दूसरा जो एक चार्ट है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये भी अच्छा है, खाली लेफ्ट साइड का देखना, राइट का नहीं देखना है अभी, ठीक है? सकलिंग बच्चा जो है माँ की निप्पल और एरियोला जो है ना, उसको चूस रहा था, तो उसकी वजह से क्या हुआ, स्टिम्यूलस जो है वहाँ से स्किन रिसेप्टर वहाँ से कहाँ गया, एफरेंट या तो सोमेटिक जो नर्व है वहाँ से स्पाइनल कॉर्ड में नर्व इम्पल्स, स्पाइनल कॉर्ड में से नर्व इम्पल्स हाइपोथैलेमस में, तो हाइपोथैलेमस में से कहाँ जाएगा, इंटीरियर पिट्यूटरी, है ना? कौन सा फैक्टर है यहाँ पे, डोपामाइन जो है वो कम हुआ, वो बात याद रखेंगे। तो जो लैक्टोट्रॉफ जो हैं वो क्या कर रहे हैं, प्रोलैक्टिन जो है वो सिक्रेट कर रहे हैं, प्रोलैक्टिन किस पे असर करेगा, एल्वियोलर सेल पे, तो एल्वियोलर सेल जो है उसमें से क्या होगा, मिल्क सिक्रेशन होगा, इसी को हम गैलेक्टो पाइसिस बोलते हैं। ये चार्ट भी एक अच्छा है, तो इसमें से भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं। देखो आधी बात हो गई ख़त्म, ठीक है, आधा लेक्चर ख़त्म हो गया, अब इस साइड की बात करेंगे, है ना? क्या है ये, तो ये है मिल्क एक्सप्लोजन या तो गैलेक्टोकाइनेसिस जो है उसकी हम बात कर रहे हैं अभी। फिर से अब जो चार्ट है उसी पे जाएंगे वापस। देखिए यहाँ पे आगे के जो स्टेप हैं वो तो वही के वही हैं, ठीक है, कि ये जो था बच्चा जो है माँ का निप्पल जो है उसको सक कर रहा है, ठीक है? तो फिर जो स्टिम्यूलस है यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो है स्टिम्यूलस जो है एफरेंट नर्व में से कहाँ गया, स्पाइनल कॉर्ड में गया, ठीक है? इतना स्टेप तो वही का वही है, कोई चेंज नहीं है, आगे वाला जो एक्सप्लेन किया था मैंने वही का वही है, ठीक है? स्पाइनल कॉर्ड पे आ गए वापस, अब देखना स्पाइनल कॉर्ड में से क्या हो रहा है। देखिए ये स्पाइनल कॉर्ड में से ये एक न्यूरॉन, देखिए एक न्यूरॉन कहाँ पे गया, ठीक है, एक न्यूरॉन से नर्व इम्पल्स कहाँ पे पहुँचेगा, पैरा वेंट्रिकुलर न्यूक्लियस में जाएगा, और स्पाइनल कॉर्ड में से जो एक न्यूरॉन जो है वो किसके कांटेक्ट में है, तो सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस, ठीक है? तो स्पाइनल कॉर्ड में से न्यूरॉन किसके कांटेक्ट में जा रहा है, एक तो पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस और दूसरा सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस, ठीक है? अब ये दोनों न्यूक्लियस जो हैं उसकी बात थोड़ी कर लेता हूँ, ठीक है, थोड़ी जानकारी के लिए है आपकी। क्या है पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस, शॉर्ट में क्या बोलते हैं इसको, पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस को PVN या तो PVA या तो PVH भी बोलते हैं, ठीक है? क्या है ये, तो ये न्यूक्लियस इन द हाइपोथैलेमस है, और होता क्या है ये PVN, तो ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स है, ठीक है, और फिजियोलॉजिकल चेंजेस हैं उससे ये एक्टिवेटेड हो जाते हैं, जिसमें जो स्ट्रेस वाली सिचुएशन है वो भी समाविष्ट है। तो ये PVN क्या है उसकी मैंने बात करी आपको, अच्छा ये क्या है सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस, ये क्या होता है, ठीक है, तो इसकी भी बात कर लेते हैं। तो ये देखिए ये मैंने आपको लिखा है यहाँ पे, सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस जो है शॉर्ट में SON बोलते हैं, ठीक है, न्यूक्लियस ऑफ मैग्नो सेलुलर न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स इन दी हाइपोथैलेमस, ठीक है कि नहीं? इसमें क्या होते हैं, न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स होते हैं, ठीक है, मेमलियन ब्रेन के हमारे दिमाग में न्यूरोसिक्रेटरी सेल होते हैं हाइपोथैलेमस में, इन्हीं को हम सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस बोलते हैं। और ये कहाँ पे होते हैं, तो सिचुएटेड एट द बेस ऑफ द ब्रेन एडजेसेंट टू ऑप्टिक काइज़मा, ठीक है, और मनुष्य में SON जो है उसमें 3000 न्यूरॉन्स पाए जाते हैं। तो इसकी हमने बात कर ली SON के बारे में थोड़ी। अब ये जो है दोनों जो न्यूक्लियस हैं वो आप देखिए क्या कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा ही है ना, स्पाइनल कॉर्ड जो है उसमें से स्टिम्यूलस कहाँ पे गया, ठीक है, तो एक तो ये पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई और दूसरा
सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई में गया, तो उसकी वजह से ये जो दोनों जो न्यूक्लियाई जो हैं वो क्या कर रहे हैं, है ना, वो क्या कर रहे हैं, तो वो दोनों जो न्यूक्लियस हैं वो ऑक्सीटोसिन को रिलीज़ कर रहे हैं। यहाँ से ऑक्सीटोसिन रिलीज़ होता है, यहाँ पे ऑक्सीटोसिन रिलीज़ हो रहा है। तो ये ऑक्सीटोसिन जो इन दोनों न्यूक्लियस ने रिलीज़ किया, वो ऑक्सीटोसिन कहाँ पे जा रहा है, देखिए ध्यान से। तो वो ऑक्सीटोसिन जो है वो यहाँ पे आया, कहाँ पे, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में, ठीक है कि नहीं। और पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो है उसमें से अब ऑक्सीटोसिन कहाँ पे आएगा, तो उसमें अब देखिए कि भाई जो यहाँ पे मैंने लिखा है कि भाई जो ऑक्सीटोसिन जो है इस कैरीड टू द ब्रेस्ट थ्रू ब्लड, यानी ऑक्सीटोसिन जो है वो कहाँ जाएगा, ब्लड में जाएगा, और ब्लड में से वो कहाँ पे पहुँचेगा, ब्रेस्ट में पहुँचेगा, ठीक है। ब्रेस्ट में पहुँचने के बाद ये जो ऑक्सीटोसिन है वो क्या करता है, तो ब्रेस्ट में पहुंचने के बाद जो ऑक्सीटोसिन है कॉजेस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मायो एपिथेलियल सेल सराउंड द आउटर वॉल ऑफ द एल्वियोलाई, ठीक है। मैं समझाता हूँ ये बात। अब देखिए यहाँ पे ये देख रहे हैं आप, ये पार्ट है ना, मैं बड़ा कर देता हूँ, ये देखना ये, ठीक है, कौन से सेल है, मायोएपिथेलियल, और ये सारे कौन से हैं, ये एल्वियोलर सेल है। अब ये जो पार्ट है इसको अपन जूम करते हैं, ये जो है इसको जूम कर देते हैं, ठीक है। क्या जूम कर रहा हूँ मैं, एल्वियोलाई सेल और उसके ऊपर कौन, मायोएपिथेलियल सेल, इसी को हमने जूम कर दिया, देखिए बड़ा करके। अब ये मायोएपिथेलियल सेल में हमने बात करी अभी, है ना, कहाँ से ऑक्सीटोसिन आया, तो ये इसके ऊपर ऑक्सीटोसिन है, किस पर असर कर रहा है ऑक्सीटोसिन, मायो एपिथीलियल पे, ठीक है। तो मायो एपिथीलियल जो है इसका क्या होगा, कंट्रैक्शन होगा, और ये मायो एपिथीलियल सेल का कंट्रैक्शन होगा तो वो क्या करेगा, ये जो सेल है एल्वियुलर सेल इस पर दबाव डालेगा, इस पर प्रेशर डालेगा, ठीक है। इस पर प्रेशर डालेगा तो क्या होगा, ये देखिए आप यहाँ पे मायो एपिथीलियल सेल इन सेलों पर क्या कर रहा है, दबाव डाल रहा है, ठीक है। अब ये दबाव जो है कंट्रैक्शन जो है इसकी वजह से क्या, यहाँ पे तो गैलेक्टोपोइसिस में हमने देखा ये पूरा एल्वियोलाई जो है मिल्क से भरा हुआ था, और अब ये प्रेशर की वजह से जो मिल्क है वो कहाँ जाएगा, वो यहाँ, ये यहाँ बाहर निकलेगा, है ना। तो ये क्या है, डक्ट्यूल्स, तो मिल्क जो है वो कहाँ पर जाता है, डक्ट्यूल्स में आएगा। अच्छा, हमने जो मेमोरी ग्लैंड का जो लेक्चर देखा उसमें हमने देखा कि भाई जो डक्ट्यूल्स हैं, डक्ट्यूल्स किस में ओपन होती है, मेमोरी डक में, और मेमोरी डक किस में ओपन होती है, लैक्टिफेरस डक में, तो वो चैनल हमको पता है। तो यहाँ पे देख लीजिए आप, देखना यहाँ पे हमने देखा ये डक्ट्यूल दिखाई आपको, ठीक है, मैंने जूम करके दिखाई आपको, ठीक है। और ये देखिए किस तरह से वो इकट्ठा हो रही हैं ये डक्ट्यूल, ठीक है ना, यहाँ पे छोटा छोटा, और फिर ये मेमोरी डक्ट, और फिर आगे जाके लैक्टिफेरस डक्ट। तो ये जो प्रोसेस है, ठीक है, ऐसा ये एल्वियोलाई जो है इसमें से ये मिल्क जो यहाँ पे आया, इसी को क्या बोलते हैं, ये प्रोसेस को बोलते हैं मिल्क एक्सपल्सन, मिल्क इजेक्शन, ठीक है, एक्सक्यूज मी। तो ये जो है प्रोसेस, इसी को हम क्या बोलते हैं, मिल्क इजेक्शन, या तो मिल्क एक्सपल्सन, या तो मिल्क लेट डाउन, एल्वियोलाई में से दूध जो बाहर आया ना डक्ट्यूल में, इसी को हम क्या कहेंगे, है ना, मिल्क इजेक्शन, या तो मिल्क एक्सपल्सन, या तो मिल्क लेट डाउन कहते हैं इसको। बात समझ में आई पूरी, हम ना किस तरह से कॉन्सेप्ट मैप में हम देखा हमने। यहाँ पे जो है वो जो चार्ट था उसको देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखना, ठीक है, ये सकलिंग की बात करी हमने, है ना, ये तो वही था स्पाइनल कॉर्ड हाइपोथैलेमस, है ना, फिर वो जो दो न्यूक्लियस हैं, है ना, तो फिर क्या जा रहा है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी क्या कर रही है ना, हाइपोथैलेमस के जो न्यूक्लियस हैं वो क्या कर रहे हैं, ऑक्सीटोसिन को कहाँ पे रिलीज़ कर रहे हैं, पिट्यूटरी में,
पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी क्या करेगी, ब्लड में ऑक्सीटोसिन, ये ऑक्सीटोसिन ब्लड में से कहाँ जाएगा, ब्रेस्ट में। क्या करेगा ऑक्सीटोसिन, ब्रेस्ट में जाके जो मायोएपिथेलियल सेल है उनका कंट्रैक्शन करेगा। मायोएपिथेलियल सेल क्या करेंगे, जो एल्वियोलर सेल है उसके ऊपर दबाव डालेंगे, उसकी वजह से जो एल्वियोलर का एल्वियोलाई जो है, एल्वियोलाई में जो दूध भरा हुआ था वो कहाँ आएगा, डक्ट्यूल में आएगा। तो ये डक्ट्यूल में दूध आया, इसी को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं मिल्क एक्सपल्जन, या तो गैलेक्टोकाइनेसिस कहेंगे इस बात को, है कि नहीं। अच्छा, दूसरी एक बात जो है, अब फिर से लेक्चर पूरा देख लेते हैं। देखिए, डेफिनेशन से हमने शुरुआत करी थी, डेफिनेशन की मैंने आपसे बात कर ली, ठीक है। फिर ये फेजेस में मैंने कहा आपको, जो पिछले वाले जो दो हैं ये दोनों का डिस्कशन हमने कर लिया। पहले मैंने आपको गैलेक्टोपोइसिस समझाया, फिर मैंने आपको गैलेक्टोकाइनेसिस समझाया, ठीक है। फिर एक और, अब क्या ये जो है ना, यहाँ पे लिखा है, समझा देता हूँ मैं ये पॉइंट भी आपको, मेंटेनेंस ऑफ मिल्क सीक्रेशन और गैलेक्टोपोइसिस। देखिए यहाँ पे बहुत सारा पॉइंट ये लिखा है, ठीक है, मैं सिंपल भाषा में आपको समझा देता हूँ। क्या सादी सिंपल सीधी सी बात है कि जब तक बच्चा जो है, बच्चा अपने माँ का दूध पीता रहेगा ना, तब तक क्या होगा, तब तक स्टिमुलेशन होता रहेगा और न्यूरोएंडोक्राइन जो रिफ्लेक्स है ना, वो चलता रहता है। जब भी बच्चा माँ का दूध पीता है तो ये स्टिमुलस कितना बढ़ जाता है ना, जो प्रोलैक्टिन का जो सर्ज है वो 10 से 20 गुना बढ़ जाता है, ठीक है। तो जब तक बच्चा माँ का दूध पिएगा, तब तक माँ का जो ब्रेस्ट है, जो मेमोरी ग्लैंड है, वो दूध का प्रोडक्शन चालू रखेंगे। और बच्चा अगर दूध पीना बंद कर देता है, या तो माँ जो है बच्चे को दूध पिलाना बंद कर देते हैं, तो फिर उस कंडीशन में धीरे धीरे फिर ये जो है मिल्क का सीक्रेशन जो है, प्रोडक्शन है, वो ये बंद हो जाएगा। ये इसका मतलब है, ये सारी बातों का आप पढ़ लेना, ठीक है। और दूसरी एक अच्छी बात है जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू पे नहीं कर रहा हूँ मैं, ऐसे ही समझने वाली बात है, एक अच्छा था पॉइंट, ये देखिए आप, ये पॉइंट है, समझा रहा हूँ, समझना। देखिए, स्टिम्युलाई सच एज साइट, साउंड और क्राइंग ऑफ इन्फेंट है ना, ऑल्सो कॉज मिल्क इजेक्शन, है ना। कुदरत का कमाल देखिए, माँ और बच्चे का आप एक रिलेशन देखिए इसको। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू पे बात नहीं कर रहे हैं हम, ऐसे ही बात कर रहे हैं कि अगर माँ जो है अपने अगर बच्चे को देखती है, या तो बच्चे की आवाज़ सुनती है, या तो बच्चे को रोता, बच्चे का रोने की आवाज़ सुनती है, तो भी क्या हो जाता है, उनका जो मेमोरी ग्लैंड है, ब्रेस्ट है, उनमें से जो मिल्क जो है उसका इजेक्शन है ना, दूध जो है बाहर निकलने लगता है, ठीक है। तो इसी को यहाँ पे है ना, ये बायोलॉजी में जो न्यूरो एंडोक्राइन रिफ्लेक्स की जो यहाँ पे बात करी है, वो एक ये पॉइंट है। लेकिन मैंने कहा कि ये समझाना ज़रूरी था। अब जो थियरी की जो बात है, मैंने आपको जो समझाया, मैंने पहले ही कहा आपको कि जो ये बातें, ये सब बातें हो गई, ये कॉन्सेप्ट मैप हो गया, ठीक है। ये चार्ट भी हमने देख लिया, ये फिगर भी मैंने आपको बता दी, यहाँ पे भी ये भी आपने देख लिया अच्छे से, और यहाँ पे ये सारी जो बातें हैं, ठीक है, ये जो मैंने बात करी आपसे, तो थियरी के पॉइंट हैं ये, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, थियरी के पॉइंट यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है, अच्छे से आप प्रिपेयर कर सकते हैं इसको। मैं अच्छे से दिखा देता हूँ, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, एक और जो बात है वो कर लेते हैं, ठीक है। देखिए, कोलोस्ट्रम जो है इसकी बात कर लेते हैं। कोलोस्ट्रम क्या होता है, देखिए, बच्चे का जब जन्म हो जाता है तो माँ का जो मेमोरी ग्लैंड है वो है ना, क्या करता है, फर्स्ट फ्यू डेज शुरुआत के, बच्चे के जन्म के कुछ दिनों तक सीक्रेट अ थिक येलोइश फ्लूइड है ना,
पीले कलर का जो प्रवाही है उसे उत्पन्न करता है, उससे पैदा करता है। तो ये जो प्रवाही जो है पीले कलर का, इसी को क्या कहते हैं, जो शुरुआती दिनों में उत्पन्न हुआ, इसी को कोलोस्टम बोलते हैं। कोलोस्टम में क्या होता है, तो बहुत कम चर्बी, फैट की मात्रा कम है, जो नॉर्मल जो दूध होता है उससे कम लैक्टोज होता है, बट इसमें प्रोटीन होता है और इसमें बहुत अच्छे एंटीबॉडी जैसे कि IgA होते हैं। तो ये जो जब बच्चा जो है शुरुआती दिनों में जब जो येलो कलर का जो दूध है वो जो फ्लूइड है कोलेस्ट्रम वो अगर बच्चे को पिलाते हैं तो क्या होता है कि ये कोलेस्ट्रम से बच्चा क्या पाएगा, IgA एंटीबॉडीज़ पाएगा, ठीक है कि नहीं। और ये जो IgA एंटीबॉडीज़ जो पाया तो उसी वजह से क्या होता है बच्चे को पैसिव इम्यूनिटी मिलती है। और ये पैसिव क्योंकि बच्चे का जो इम्यून सिस्टम है वो अभी इतना डेवलप नहीं हुआ है, ठीक है कि नहीं। और ये कोलोस्टम में जो एंटीबॉडीज़ हैं उसकी वजह से क्या होता है कि बच्चा जो है उसको इन्फेक्शन नहीं लगते, जैसे कि यहाँ पे लिखा है ना, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, फिर रेस्पिरेटरी सिंगटल वायरस, फिर बच्चे को डायरिया नहीं हो उसके लिए ये गैस्ट्रो इंटेस्टिनल वायरस, इन सभी से वो बच्चा जो है वो उसके सामने इन बीमारियों से लड़ सकता है, ये एंटीबॉडीज़ की वजह से उसको प्रोटेक्शन मिलता है। तो कोलेस्ट्रम की हम बात कर रहे हैं, कोलेस्ट्रम जो है उसमें फिर से यहाँ पे है ना डीप येलो कलर फ्लूइड है, और यहाँ पे लिखा ही है कि भी मेमोरी ग्लैंड जो है उसमें से शुरुआत के कुछ दिनों में बच्चे के जन्म के बाद ये उत्पन्न होता है, और इसमें प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है, इम्यूनोग्लोबिन होते हैं, लैक्टोफेरिन होते हैं। अच्छा, और क्या होता है, तो ग्रैनुलर बॉडीज़ होते हैं है ना, कोलोस्ट्रम कार्पस्कल होते हैं, और ये ग्रैनुलर बॉडी जो है वो किसकी बनी होती हैं, तो उसमें एल्वुलर सेल होते हैं और ल्यूकोसाइड होते हैं, ठीक है, जिनमें वसा यानी कि चर्बी होती है, फैट होते हैं। और ये जो कोलेस्ट्रम जो है वो बहुत ही जल्दी कोएगुलेट हो जाता है सॉलिड मास में जब बच्चा इसको पीता है। और दूसरी एक बात कि कुछ जो महिलाएं होती हैं जो इतने शिक्षित नहीं होती हैं तो वो ऐसा समझती हैं कि ये जो पीला पीला जो है ये काम का नहीं है, उसको नहीं पिलाना, ऐसा कुछ नहीं करना है, जो शुरुआत के उसको ख़राब मान के फेंक नहीं देना है, ये बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी होता है और उसको जो नया बच्चा पैदा हुआ है उसको पिलाना ही पिलाना है 100%, तो ही उसकी हेल्थ जो है वो अच्छी रहेगी, ठीक है। और यहाँ पे जो माँ का जो दूध है, ठीक है, उसके लिए ये एक टेबल है जैसे कि प्रोटीन की मात्रा कितनी, कोलेस्ट्रम यहाँ पे बताया है, फिर ये मैच्योर मिल्क है, ठीक है, और ये काऊ गाय का दूध है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि कोलेस्ट्रम जो है उसमें प्रोटीन कितना है, तो 8.5 ग्राम डेसीलीटर यानी 100 ml की बात कर लेते हैं, तो 100 ml में क्या होगा, 8.5 ग्राम जितना प्रोटीन होता है, ठीक है कि नहीं। और माँ का जो दूध है उसमें 1 से 2 ग्राम प्रोटीन होता है, और ये गाय के दूध में। फिर कार्बोहाइड्रेट की मात्रा आप देख सकते हैं, चर्बी कितनी है वो, मिनरल्स है ना उनकी, उनका प्रोपोर्शन कितना है वो, कैल्शियम, ठीक है कि नहीं, कैल्शियम तो कोलेस्ट्रम में कैल्शियम नहीं दिखाया है लेकिन यहाँ पे थोड़ी थोड़ी मात्रा में दिखाया है। और दूसरी एक लास्ट जो बात है ये देखिए आप, ये हम डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड या तो डेवलपमेंट ऑफ लोब्यूल्स या तो डेवलपमेंट ऑफ दी एल्वियोलाई, उस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एट बर्थ, ठीक है कि नहीं, जन्म के समय जब लड़की पैदा होती है तो फिर यहाँ पे कोई ब्रेस्ट डेवलपमेंट है ही नहीं, ठीक है कि नहीं। और फिर
यहाँ पे आप देखिए प्यूबर्टी जो है, ठीक है, प्यूबर्टी का जो स्टेज है यानी 8 से 13 साल की जो एज है, इसमें ये सारे जो हार्मोन है उसकी वजह से किस तरह से अभी जो ब्रेस्ट का डेवलपमेंट हो रहा है वो यहाँ पे दिखाया है। आप देख सकते हैं कि लॉब्यूल्स की पोजीशन क्या है ना, ये पीले पीले जो हैं ये लॉब्यूल्स ही समझिए आप। फिर ये बी सिचुएशन और सी और डी है ना, तो सी क्या है, तो सी देखिए सी में क्या लिखा है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो ये प्रेगनेंसी के जो हार्मोन है, ठीक है, और प्लेसेंटा का जो हार्मोन HCS, इसकी वजह से आप देखिए लॉब्यूल किस तरह डेवलप हुए हैं। और फिर यहाँ पे ड्यूरिंग लैक्टेशन जब माँ अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं तब ये सारे जो हार्मोन हैं, ठीक है, वो इन सारे हार्मोन की वजह से ये जो है ये किस तरह से डेवलप हो गया, ठीक है कि नहीं, पूरे जो लॉब्यूल्स हैं एल्वियोलाई है वो उनका डेवलपमेंट आप देखिए एकदम अच्छे से हो गया है ड्यूरिंग लैक्टेशन। और ये जो है लास्ट में देखिए यहाँ पे, ठीक है, मेनोपोज, तो 45 या 50 साल के बाद फिर क्या हो जाता है, ठीक है, ये एल्वियोलाई और लॉब्यूल का पोजीशन कैसा होता है ना, उनका सिचुएशन कैसा होता है वो यहाँ पे, और फिर जो मेनोपोज है उसमें जो हार्मोन है वो यहाँ पे दिखाए हैं, ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा इसमें भी आप देख लेना, ठीक है, और तो कुछ रह नहीं जा रहा है, मैं देख लेता हूँ। और ये एक टेबल है, ठीक है, इसमें से भी ये आप कर सकते हैं, वो टेबल भी था, ये भी है, तो सारी बातें हो गई हैं अभी, तो बस इसी के साथ ये जो प्रेजेंटेशन लेक्चर था लैक्टेशन का ये यहाँ पे समाप्त हो रहा है। मैं आशा करता हूँ कि ये जो प्रेजेंटेशन लेक्चर है इससे आपको आपके प्रिपरेशन में, आपके स्टडीज़ में थोड़ी हेल्प मिल जाएगी। मेरा नाम मनीष कोष्टी सर है, मैं अहमदाबाद से हूँ। बाय बाय, नमस्ते।